कोशिशें की जाती हैं। अभी माननीय डिप्टी सीएम जो हैं आदरणीय सुशील मोदी जी, वो तरह तरह का बयान दे रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं भूख से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, और वो जो कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन जो है डिजिटल होगा। इलेक्शन की चिंता, डिजिटल मतलब इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि डिजिटल होगा कि नहीं होगा चुनाव, लेकिन सुशील मोदी जी को पूरा पता है कि डिजिटल होगा। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं इशू। अभी लोगों के सेवा में लगना चाहिए तो इनको डिजिटल चुनाव नहीं याद आ रहा है। मोबाइल का नेटवर्क तो काम करता नहीं है, कॉल ड्रॉप की समस्या रहती, इन्हीं के मंत्री जाके बोले ना भाई। तो इस दुख के घड़ी में हम सब लोग किस प्रकार से एकजुट रहे हैं, और खास तौर पे लालू जी को चाहने वाले लोग, उन पे विश्वास करने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल पे विश्वास करने वाले लोग, उनसे हम अपील करते हैं कि आपके आसपास चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, विश्वास रखने वाले लोग हों, या कोई पदाधिकारी हो, या नेता हो, या विधायक हो, या सांसद हो, लगातार हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको ये निर्देश दिया जा रहा है, अपील की जा रही है। और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप सब लोग, जिन लोगों की आस्था, जिन लोगों का विश्वास लालू जी में और राष्ट्रीय जनता दल में है, वो सब लोग आस पास अगर कहीं भी गरीब नजर आए तो आप उसको हर एक प्रकार से मदद कीजिए, हर संभव मदद जो है जितना सक्षम है आप उतना कीजिए। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे है भारत, और ये गरीब जो है जिस परेशानी में है, हमारे तो रोए खड़े हो जाते हैं जब इस तरह के दर्दनाक वीडियो जब सामने आता है। मतलब आप शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते कि, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ बैठे बैठे कि लोगों पर क्या गुजर रही है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर एक तरह से प्रताड़ना उनको हो रही है, हर एक प्रकार से। इंसानियत के नाते अगर हम उनके साथ खड़े नहीं रहे, इंसान होने के नाते, तो उनके साथ कौन खड़ा रहे? कल को वो, आज वो दिक्कत में है, कल या हम एक बार सोच के देखें, अगर हम उनकी जगह पे होते, अगर हमारी माताएं बहनें अगर पैदल चल रही होती, हजारों किलोमीटर का सफर, खाने को नहीं रहता, हमें पैदल चल रहे होते, लाठी डंडे सरकार के खा रहे होते, क्या हम लोगों पे बीतती। इसलिए इंसानियत के नाते, और जिन लोगों का लालू जी पे विश्वास है, पार्टी पे विश्वास है, वो सब लोग जहाँ गरीब नजर आए, जहाँ मजबूर नजर आए, वैसे लोगों की आप लोग सेवा, सहायता और सहयोग आप कीजिए। और हम तो एकदम जाना चाहते हैं उनके बीच, उनकी सेवा करना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि होम क्वारंटाइन है। इसके बावजूद भी लगातार जो है हम लोग चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं, हर एक लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो संभव मदद हो सकता है वो हम लोग पहुंचाना चाहते हैं और उस दिशा में कर रहे हैं। शुरू दिन से, कोरोना के शुरू दिन से हम और हमारी पार्टी या हमारे लोग जो हैं बैठे नहीं रहे, लगातार इस काम में लगे हुए हैं, लोगों तक मदद पहुँचाने में, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में। और मुझे खुशी है कि इसमें आप सब लोगों का भी, खास तौर पे सरकार को,
कुंभकर्ण वाली नींद से जगाने में, इसमें आप सब फेसबुक के लोगों का भी जो है बड़ा योगदान है, जो समर्थन मिला, सहयोग मिला। लेकिन मुझे धिक्कार है सरकार पे कि इन लोगों का आंख अब तक नहीं खुल रहा। अब कल को कहेंगे कुछ और कहने